सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं सती माता का एक यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे लगा है मेला और काफी ज्यादा भीड़ भी है। और एक्चुअली आज है महाशिवरात्रि, तो इस महाशिवरात्रि के पर्व पे यहाँ पे जो है सभी भक्तगण जो है शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है भाई, अभी फिलहाल चल रहे हैं मंदिर में और आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं शिव जी का जो है मंदिर है। और काफी लोगों का मंदिर है यार इसमें अंदर, और चलने के बाद आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये रहा भैया मेन गेट, अब मेन गेट है और अभी यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं और फिलहाल चलिए दिखाते हैं, वीडियो बने रहिए। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं गेट के पास, ये रहा है गेट, फर्स्ट गेट, यहाँ से हम लोग और फिलहाल कई मंदिर यहाँ पे यार अंदर। तू दूर न हो ना शंभू, मैं किसी और, तो चलो अंदर चलते हैं फिलहाल और आ चुके हैं अंदर। और भाई नीचे देख सकते हो इतना, जल्दी फोकस करो, ये कोई शॉक नहीं यार, साफ सुथरा बहुत ही सुंदर है। और ये देखो एक से एक पेड़ यहाँ पे लगा है लोगों के लिए। और ये रहा अंदर का पूरा ग्राउंड, वहाँ एक मंदिर है इस साइड देख सकते हो, इधर भी है। तो फिलहाल अभी हमको चलना पड़ेगा, थोड़ा हाथ पैर ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए चलना पड़ेगा नल पे। यहाँ पे देख सकते हैं नल की व्यवस्था की गई है। क्या सुंदर नजारा है, आखिर हम माँ के भवन पहुँच ही गए ना। ये बाबा इस समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाले कौन है। सकते हो अभी हम आ चुके हैं सती माता के मंदिर के पास जस्ट, और अभी चल रहे हैं अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु लोग जो है दर्शन कर रहे हैं सती माता का। अभी हम भी चल रहे हैं अंदर और आ चुके हैं, जैसा कि देख सकते हो ये रहा मेरा दोस्त। जैसा कि देख सकते हो हम लोग दो तीन लोग आए हैं साथ में, यहाँ पे काफी ज्यादा श्रद्धालु लोग हैं। और इस साइड देख सकते हो ये जो है यहाँ पे जो है सभी लोग कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाने आते हैं सती माता को मंदिर में। ये हो गया यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाया जाता है यहाँ पे, इस साइड देख सकते हो अभी वहाँ चढ़ाया भी जा रहा है, हवन भी हो रहा है उस साइड। सारी वाली जो ये सब यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज्यादा भीड़ है यार। और एक्चुअली हमें जाना है जल्दी जल्द घर, इसलिए हम बहुत फास्ट ब्लॉग ला रहे हैं। फिलहाल जो भी कमी हो यार, और ये रहा जहाँ से आंटी के पास पहुँचने, फिलहाल ये रहा देख सकते हैं जैसा कि जय हो सती माता। फिलहाल अभी यार गेट भी बंद है मेन वाला, इसलिए हम फिलहाल बाहर से आपको टेस्ट कर रहे हैं, वीडियो बने रहेंगे। तो चलिए चलते हैं भाई अंदर। और यहाँ पे लगा इतना सारा पानी इस साइड देख सकते हो नीचे, तो यहाँ पे माई के आगती उतारो रे, सभी लोग जो है श्रद्धालु जो है यहाँ से जल चढ़ा रहे हैं इस साइड से, और उधर जो है फूल और सब कुछ जो है यहाँ पे चढ़ा के यहाँ जो है भाई सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे सारा गांधी बांधा गया है देख सकते हैं, और सभी लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं फिलहाल अभी। तो भैया गांधी बहुत सारा है गांधी। तो फाइनली गाइस जैसा कि देख सकते हो ये हो गया सती माता का मंदिर, और फिलहाल मूर्ति भी जो है उसको जो है ढका गया है फिलहाल, पता नहीं क्यों यार हमको तो नहीं पता है। ये रहा देख सकते हैं जैसा कि यहाँ ये चुनरी से ढका गया है, फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्यों बंद है। यहाँ पे देख सकते हैं जल और चढ़ाया गया अगरबत्ती सब कुछ यहाँ पे बारा गया है, और ये सब है यही है मंदिर सती माता का। तो फिलहाल चलते हैं बाहर और नेक्स्ट मंदिर में चलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं भोलेनाथ का, यहाँ पे एक मंदिर है
श्री राम जानकी का यहाँ मंदिर है और यहाँ पे काफी ज्यादा लगा है भीड़ और श्रद्धालु लोग आए हैं दूर दूर से यहाँ पे मेला भी देख सकते हैं दर्शन भी करने के लिए। ये रहा भैया जो है मंदिर जो है श्रद्धालु है उधर प्रसाद बांट रहे हैं। ये है राम लक्ष्मण माता सीता का जो है ये राम मंदिर। ये रहा जैसा कि देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं अंदर साइड भाई इनका जो है भाई खोला गया है नहीं तो उस साइड सती माता का जो है मंदिर में गए थे तो उसमें जो है पर्दा लगाया गया था ढका गया था बट यहाँ पे जो है ओपन है जैसा कि देख सकते हो आप हम बैक कैमरे से दिखा रहे हैं फिलहाल वेट करेंगे। सोफाली का यहाँ भी देख सकते हो सब कुछ चढ़ाया गया है अदरवाइज ये रहा प्रभु श्री राम जानकी का सभी का ये राम लक्ष्मण माता सीता का ये राम मंदिर। सो गाइस आ चुके हैं अभी तीसरे मंदिर के पास ये रहा भैया तीसरा मंदिर। यहाँ पे यार काफी ज्यादा मंदिर है और देखने को मिल रहा है यार काफी इतना ज्यादा मंदिर है तो यहाँ भी देख सकते हैं जैसा कि इस मंदिर में श्रद्धालु लोग जो है आए हैं शिवरात्रि के मौके पर दर्शन करने के लिए। और चलिए फिलहाल आपको हम पास से दिखाते हैं तो ये रहा भैया माता रानी का जो है मंदिर और इसमें भी लगा है ताला यार समझ नहीं पता नहीं क्यों ताला लगाए रहे जो कि इतने श्रद्धालु आए हैं दर्शन के लिए फिलहाल ताला तो आज तो ओपन रखना चाहिए था बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे श्रद्धालु लोग काफ़ी मात्रा में आए हैं मेला देखने के लिए एंड भगवान का जो है दर्शन करने के लिए। फिलहाल कर रहे हैं नेक्स्ट मंदिर के पास सभी मंदिर जितना तो यहाँ भी मंदिर है सभी को हम बारी बारी से आपको दिखाएंगे वीडियो बने रहिए। फाइनली गाइज मेले में आई थिंक मंदिर में घूमते घूमते आप मिल चुके हैं यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स और लग रहा है यार इधर पे धूप वीडियो आ नहीं रहा है क्लिप कुछ अच्छा खास तो फिलहाल फिर भी ले रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये सब फ्रेंड्स हैं और ये भी भाई ब्लॉग भाई ये भी ब्लॉग बनाते हैं शॉर्ट ब्लॉग बनाते हैं हमको लग रहा है तो फिलहाल चलो इनका भी हम चैनल का नाम दे देंगे अंकित ऑफिशियल 75 के। अच्छा भाई तो जैसा कि आप लोगों ने सुना अंकित ऑफिशियल 75 ऐसा कुछ है भाई फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे इनका लिंक वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आए थे सती माता के मंदिर में यहाँ घूमने के लिए और यहाँ पे मेला भी काफ़ी ज़्यादा लगा है और आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिक एंड श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो फिलहाल हम आए थे मंदिर में आप लोगों को यहाँ पे जितना भी मंदिर है सभी का दिखाने के लिए बट यहाँ पे यार ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है इतना सारा मंदिर है बट सब में जो है ताला लगा हुआ है ऐसा क्यों यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं तो चलिए आपको हम मंदिर में ले चलते हैं। तो फाइनली गाइस जैसा कि देख सकते हो आ चुके हैं मंदिर के पास और ये है भैया बजरंग बली का जो है मंदिर है ये देख सकते हैं ये एंट्री है भाई गेट तो यहाँ से हम स्टार्टिंग अंदर घुस सकते हैं यहाँ से बट यहाँ भी देख सकते हैं लगा है ताला ठीक है यहाँ भी ताला लगा है इधर देख सकते हो ये रहा भैया लेकिन देखने में यार बहुत ही सुंदर लग रहा है ये रहा घंटी भैया जय बजरंग बली तो घंटी बजा दो यार बजरंग बली को खुश कर दो है ना ये रहे बजरंग बली जी देख सकते हैं जैसा कि सामने फिलहाल ये रहा बजरंग बली जी का मंदिर। और चलिए हम सभी बारी बारी सभी कुछ और मंदिर बचे हैं आपको उनको उनमें भी दिखा देते हैं और दर्शन करा देते हैं। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं भोलेनाथ जी के मंदिर में और अभी जगाने आ गए भोलेनाथ को क्योंकि अभी सो रहे हैं तो अभी उठाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है तो इसलिए जगाना पड़ेगा। जागा हो बाबा आ चुके हैं रघुआ नगरिया यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु लोग जो है इतना सारा जो है यहाँ पे जल चढ़ाए हैं इसमें देख सकते हैं सभी जो है पास होती है अदरवाइज बैर वैर क्या क्या मिलाते हैं भाई इसमें गेहूँ और जाओ सॉरी यार जाओ गन्ना का गेड़ी जोड़ी जो होता है वही सब यार धतूर वतूर जो और एक चीज रहता है यार इत्यादि अदरवाइज सब कुछ कुछ रहता है भाई उसमें जो है चढ़ाया गया है जैसा देख सकते हैं भैया शिव जी का जो है वहाँ पे जो है जल चढ़ाया जाता है। फिलहाल चलते हैं अंदर आपको दिखाने के लिए वीडियो में बने रहिए बहुत ही मजा आएगा यार फैंटास्टिक। और यहाँ पे कुछ नए नए फ्रेंड्स हैं और ये तो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं तो फिलहाल अभी चल रहे हैं अंदर और चलो अंदर दिखाते हैं यहाँ पे कितना सारा यहाँ पे आप लोगों को दिखाया ये है बाबा जी और बाबा जी और ये है गौ माता तो यहाँ बैक कैमरे से दिखाते हैं नंदी नंदी तो ये रहा भैया भोलेनाथ जी का जो है
शिवलिंग और यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है जल, जैसे कि देख सकते हैं श्रद्धालुओं द्वारा। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं भोलेनाथ जी के मंदिर में और यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है ये जल, जैसे कि देख सकते हैं इतना सारे श्रद्धालु लोग जो है, सुबह से इतना ज़्यादा भीड़ लगा था, अभी जो है फिलहाल थोड़ा कम हुआ है भीड़, इसलिए हम अंदर आए मंदिर के। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा भैया इसमें जो है जल, और इसमें से नीचे गिरता है शिवलिंग पे, वहाँ पे देख सकते हैं शंकर भगवान का जो है शिवलिंग है। और यहाँ पे एक भैया जी हैं यहाँ पे जो है, तो फिलहाल भाई ये रहा संपत्ति का भोलेनाथ जी का मंदिर, तो फिलहाल अभी चल रहे हैं बाहर। और यहाँ पे यार भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है सच बताएं तो, जैसा कि देख ही सकते हो आप लोग, इसलिए हमको यार बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जो है श्रद्धालु लोगों की संख्या अधिक है। गणपति बप्पा का मूर्ति जो है भैया ऊपर है, यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु भीड़ लगाए हैं, हमको जो है दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा, देख सकते हैं इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है कतार, और ऊपर जाके जो है गणपति बप्पा का जो है दर्शन होगा। फिलहाल हम भी चलेंगे तो वीडियो में बने रहिए, अभी हम चलते हैं ऊपर। और आप तूफानी गाय जैसा कि देख सकते हो यार आ चुके हैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर, और गणपति बप्पा का जो है ऊपर जो है गणपति बप्पा का जो है मूर्ति है, जैसा कि देख सकते हो, और देखने में यार बहुत ही सुंदर लग रहा है, साइड देख सकते हो गणपति बप्पा का मूर्ति जो है यहाँ खाली पड़ा है ना, कुछ कुछ भाई लोग फ्रेंड्स लोग यहाँ पे नए नए आ रहे हैं, जैसा कि देख सकते हो ये रहे भाई लोग। और ये रहा भैया सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए, इतनी लंबी कतार से ऊपर आए हैं, ये रहे फाइनली गाइस देख सकते हो, जैसा कि गणपति बप्पा महाराज ये जो कि छत के एक तल्ला ऊपर हैं, ये देख सकते हो जैसा कि, और कांच में पैक हैं वो। तो फाइनली गाइस जैसा कि देख सकते हो मेले में आए हैं, मेले में आए मिले हैं कुछ नए नए फ्रेंड्स, और इनसे पूछते हैं यार कहाँ कहाँ से आए, हाइपर तो फाइनली गाइस सभी लोग जो है रमणिया से आए हैं, यार मेला भैया अभी जैसा कि देख सकते हो यार आप लोग तो घूम लिए, बट अभी हम नहीं घूमे, अभी दर्शन करके आ रहे हैं, तो फिलहाल अभी मेले का एक क्लिप लेंगे, उसके बाद यार चलेंगे घर के लिए, क्योंकि जाना है अभी कुछ और जगह। तो फिलहाल सुबह से काफी जगह वीडियो बन चुका है, इसलिए अभी थोड़ा सा क्लिप यहाँ का बाकी है मेले का, तो फिलहाल अभी चलते हैं मेले में, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। बाबोई हो ना नजरी के सो तीस रुपया किलो बैर यहाँ पे मिल रहा है मेलवा में, अब यहाँ पे देख सकते हो दुकान भैया, और लगा है इतना ज्यादा भीड़ कि पूछो मत यार, ये रही पापा की परियां कुछ यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो। और ये रहा है एक ठेला यहाँ पे, तो फिलहाल एक्चुअली है यार हम हैं थोड़ा जल्दी में, नहीं तो और अच्छे से बनाते, एक्चुअली जाना है कहीं और, इसलिए जल्दी जल्दी से ले ले रहे हैं। ये रहा भैया तो यहाँ पे है, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से? अच्छा अच्छा क्या नाम है, क्या मोहनी खावा के जोड़ी जीरा चुराए रे आंखों पे चुखमा बनिया, यहां से रवानिया की नदी में पड़ेगा, फिलहाल तो अपन अपना अपना प्लेट में सो भी दर्शन हीरो जस हिप तो हर जाना मन चप वाला कढ़े चार तो खाएगी तो
तोहरा तो सूझे शरारत पगली तोर प्यार में हम भी पगल तबाह हो गए हैं। इतना ज्यादा भीड़ है भाई पूछो मत। अदला कोता कोदी दीवाना हो फोटो के नहीं नहीं सही है बिल्कुल सही कह रही है। ये बात है कि आप टेंशन इसलिए मैं बोल रहा हूं काला कभी नहीं लगा लेकिन कुछ और से बहुत गंदगी करते हैं नहीं। तो गाइस मेले से हट के मेले में है और यहां पे लगा है खिलौने का दुकान। देखते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नन्नू मुन्ने प्यारे प्यारे चन्नू मुन्नू ये आते हैं खिलौने लेने के ये दुकान पे दिख रहा है। फिलहाल यार ये ब्लॉग में आई थिंक ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया क्योंकि यार लग गया था एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया था। फिलहाल अभी चल रहा है कुछ खाने की मौजूद फिर से एक बार पापा की परी है फिर से एक बार आ चुके हैं जी बोलिए क्या करना चाहते हैं। बढ़ता भैया चल जाए घर पर और कुछ यहाँ का फेमस चीज भैया इन लोगों को भी कुछ पता होता है नहीं तो आई है घास छोड़ने के लिए। चलो अभी जी जी भैया या बिल्कुल देख सकते हैं सभी लोग यार जब मैं ब्लॉग शूट करता हूँ तो सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और पानी पानी थोड़ा डायलॉग मार देता हूँ कि ये थोड़ा ब्लॉग बन जाता है हिट और आप हो जाते हैं बिल्कुल फिट।
तो ब्लॉग देखने में बहुत ही मजा आप लोगों को आता है और बहुत ही सुंदर भैया मेला का एक बार क्लिप ले लेना तो बात ये फाइनली गाइस देख सकते हो तो इधर 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 मेले में सब 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 क्राउड लगा है भीड़ लगा है इतना ज्यादा देख सकते हो इधर भी लगा है इधर भी तो ये ब्लॉग भाई मेरे को लग रहा है जीना मरना है सब अब तेरे नाम। तो गाइस आ चुके हैं ये ट्रेन के पास और यहाँ पे दिख रहा है बनारसी चाट भंडार टोट दिख रहा है भैया चाट यहाँ पे चार समोसा पर है चाउमीन सुमत में जब कौनो है ये नहीं खे पारी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है इसलिए यहाँ पे जो है आइसक्रीम वाले यहाँ पे इतना ज्यादा दुकान लेकर आए हैं उधर से तो भी रहा आइसक्रीम का दुकान तो फिलहाल ये ब्लॉग यार इसी पे चल रहे हैं स्टॉप करने के लिए क्योंकि हमें इमरजेंसी कॉल आ रहा है तो फिलहाल ये हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबू आई हाँ ना नजरी के सो